दिग्रस के सामाजिक कार्यकर्ता और उपक्रमशील दिग्रस के शिक्षक मजहर अहमद खान रहमान खान ने 15 मई अपनी बेटी की शादी में आत्महत्या करने वाले संग्रहकर्ताओं की विधवाओं को सिलाई मशीन बांटकर समाज के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने भारतीय संविधान पर अन्य पुस्तकों और पौधों के साथ अतिथियों का स्वागत भी किया। अंजुमन उर्दू विद्यालय के सहायक शिक्षक मजहर अहमद खान की बेटी मुनव्वर ताज, जो दिग्रस शहर सहित तालुका में अपने सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और जनहित के कार्यों के लिए जानी जाती है, की 15 मई को सुबह 11 बजे शादी हुई। वाशिम के सरदार खान शाहनूर खान के साथ शादी संपन्न हुई। शादी के तंबू में उन्होंने संगीता अशोक तुमाने, माला दिनेश राठौड़, अंजुम परवीन शेख अयूब, सुनीता प्रहलाद मोकर और संगीता अरुण लोखंडे की विधवाओं को सिलाई मशीन बांटकर प्रेरणा और आदर्शवाद की नींव रखी। उन्होंने सभी अतिथियों का भारतीय संविधान, शिवराय के वफादार मुस्लिम सैनिक, कन्या भ्रूण हत्या आदि विषय पर पुस्तकों और पौधों के साथ स्वागत किया। उन्होंने बड़ी बेटी की शादी में दिव्यांगों को तिपैया भी बांटे थे। उनके बेटे हसन अहमद खान ने भी महाराष्ट्र परीक्षा परिषद पुणे द्वारा ली गई 5वीं और 8वीं छात्रवृत्ति को आत्महत्या कर संग्रहकर्ताओं के बच्चों की शिक्षा के लिए दान कर दिया।